और मेरे साथ है मेरे सहयोगी साहिल। आज अगर बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से आज आमने सामने होने वाले हैं और अभी तक T20 विश्व कप 2024 की बात करें तो सेमीफाइनल तक पहुंचने की जंग जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा रोमांचक हो चुकी है। और ऐसे में सुपर 8 के ग्रुप प्लान 1 की बात करें जहां पर अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए सेमीफाइनल तक पहुंचने की जंग जो है और भी काफी ज्यादा मुश्किलात जो हैं वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के लिए साहिल हो गए हैं। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं इस टाइम। जसलीन, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त मिली अफगानिस्तान से और एक बेहतरीन ऐतिहासिक जीत दर्ज की अफगानिस्तान ने, और उन सबके बीच में आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच, क्या 2023 का जो एक बदला है क्या इंडिया वो ले पाएगी और क्या इंडिया आज वो मैच जीतेगी, और अगर आज इंडिया जीतती है तो ऑस्ट्रेलिया का सफर यहीं तक का रह जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और क्योंकि कल मैच है अफगानिस्तान बांग्लादेश का, उस पर बहुत निर्भर करने वाला है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जिस तरह से ये मैच करो या मरो वाली स्थिति का रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, आपको बता रहा हूं यही चीज इसलिए क्योंकि ये बहुत अहम है मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर ऑस्ट्रेलिया आज जीतती है तो वो इस टूर्नामेंट में कायम रहेगी। बिल्कुल, जिस तरह से वैसे योगी ने भी बताया, आज साहिल ऑस्ट्रेलिया के लिए बात करें तो बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि मरो और वो जीत वाली एक सिचुएशन जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए यहां पर रहने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी अफगानिस्तान के खिलाफ मैच हारने के बाद कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया और अब यहां पर मैच जितना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और वहीं दूसरे मैच पर भी निर्भर करेगा। बड़ी खबर इसमें T20 विश्व कप में भारतीय टीम फिर से जीत के लिए उतरेगी, हर हाल में अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहना जरूरी है भारतीय टीम के लिए। गुयाना में 27 जून को भारी बारिश की चेतावनी है और उन सबके बीच में उस दिन गुयाना में 75% बारिश की संभावना बताई गई है। T20 विश्व कप में भारतीय टीम की जीत का सिलसिला जारी है और आज के मैच में भी भारतीय टीम जीतना चाहेगी और शीर्ष पर रहना चाहेगी। लगभग पूरे दिन आसमान में बादलों से घिरा रहेगा गुयाना, जहां पे सेमीफाइनल खेला जाएगा इंडिया और किसी के साथ जो भी होगी टीम वहां पर, या साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड। पर उन सबके बीच में अब देखने वाली बात यह है कि वहां पर अगर बारिश की वजह से मैच धुलता है तो फिर इंडिया को शीर्ष पर रहना बहुत जरूरी, यानी कि आज का मैच जीतना बहुत जरूरी है और इंडिया शीर्ष पर रहेगी और साथ में ही वो फाइनल से क्वालिफाई कर जाएगी अगर सेमीफाइनल का मैच नहीं होता है। पर उसके लिए इंडिया को आज का मैच जीतना बहुत जरूरी है और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया को जीतना भी बहुत अहम है क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया आज नहीं जीतती है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। और आज के मैच में क्या कुछ खास रहने वाला है, किस तरह की पिच रहने वाली है, किस तरह के खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहेगा, कौन सा खिलाड़ी किस पर भारी रहने वाला है, उस पर खास पेशकश देखिए। ऑस्ट्रेलिया पर जीत का रथ जारी रखने उतरेगा भारत, विराट जांपा के बीच होगी टक्कर। भारत का तेज गेंदबाजी आक्रमण किसी भी टीम के खिलाफ प्रभाव छोड़ने में अब तक सफल रहा है। अनुभवी गेंदबाज बुमराह ने मौजूदा टूर्नामेंट की 5 पारियों में 10 विकेट अपने नाम किए हैं। पावर प्ले में वे भारत को सफलता दिलाने में अब तक कामयाब रहे हैं। ऐसे में डेविड वार्नर और बुमराह के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। कोहली और जांपा के बीच होगी टक्कर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले पर दोनों टीमों की विस्फोटक बैटिंग लाइनअप पर सभी की नजरें रहेंगी, जहां विराट कोहली का सामना एडम जांपा से होगा। बीच के ओवरों में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज भारत के लिए मुसीबत बन सकते हैं। उन्होंने 84 पारियों में 7.2 के इकोनॉमी रेट से 103 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं T20 विश्व कप में जांपा के नाम 19 पारियों में 34 विकेट हैं। विश्व कप में कोहली का रिकॉर्ड, हालांकि कोहली भी किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने विश्व कप में अब तक 29 पारियों में 1170 रन बनाए हैं, इनमें उनके नाम 14 अर्धशतक दर्ज हैं। बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पिछले मैच में किंग कोहली का बल्ला जमकर गरजा, उन्होंने 28 गेंदों में 1 चौका और 3 छक्कों की मदद से 37 रनों की दमदार पारी खेली। मिस्टर स्टार्क से होगा रोहित का सामना, कोहली का साथ रोहित शर्मा देंगे, जिनकी टक्कर ऑस्ट्रेलियाई के दिग्गज मिचेल स्टार्क से होगी। घातक गेंदबाज मैच की शुरुआत से ही भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, हालांकि रोहित का फॉर्म में होना अच्छा संकेत है। भारतीय टीम में बदलाव की संभावना कम, T20 विश्व कप 2024 के 91 मैच में भारत की प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना कम है। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत उतरेंगे, 4 विकेटकीपर बल्लेबाज मौजूदा टूर्नामेंट में भारत के लिए दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। पांड्या बिखेरेंगे जलवा, ऑलराउंडर्स के तौर पर भारतीय टीम में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा मौजूद हैं। ये तीनों ही खिलाड़ी गेंद और बल्ले से प्रभाव छोड़ने में कामयाब हुए हैं।
बुमराह लेंगे वार्नर की क्लास। भारत का तेज गेंदबाजी आक्रमण किसी भी टीम के खिलाफ प्रभाव छोड़ने में अब तक सफल रहा है। अनुभवी गेंदबाज बुमराह ने मौजूदा टूर्नामेंट की 5 पारियों में 10 विकेट अपने नाम किए हैं। पावर प्ले में वे भारत को सफलता दिलाने में अब तक कामयाब रहे हैं। चलिए जी, अब शुरू करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ फाजुल कबीर, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए, और दिवांशु जायसवाल जो कि खेल पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है, और सबसे पहला सवाल मेरा फाजुल कबीर साथ रहेगा। फाजुल, जिस तरीके से हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात कर रहे हैं, तो किस तरह का रहनवेला है आज का दिन, कितना जरूरी है ऑस्ट्रेलिया के लिए? क्या ऑस्ट्रेलिया आज मैच हारती है, और अकाल अगर अफगानिस्तान में मैच हार जाती है, तो क्या तब भी ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर पाएगी? जी, अगर आप आज का मैच देखेंगे, बहुत ही अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए जरूरी बन गया है। टीम इंडिया तो हमारी ऑलरेडी एक टांग सेमीफाइनल में रखे हुए हैं, लेकिन द थिंग इज दैट ऑस्ट्रेलिया के लिए आज बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर है जो अफगानिस्तान ने उनको हार चटाई है, और उसकी वजह से हमारी पूरी टीम जो है वो एनालिसिस भी कर रही होगी कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की चूकें हुई है, और उन्हीं चूकों को हमें भी फायदा उठाना है, और कोशिश करेंगे कि उनके ही तरह हम भी इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया को हरा दें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम आराम से हम नहीं ले सकते, इतनी आसानी से भी नहीं ले सकते। जरूरी है कि हमें हर एक टीम मेंबर को योगदान दे अच्छे से, बॉलिंग डिपार्टमेंट में, फील्डिंग में। अगर आप पूरा देखें मैच, ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी थी मैच, लेकिन कैचेस विन मैचेस, 3 कैच जो उन्होंने ब्लाइंडर लिए हैं, उनकी वजह से अफगानिस्तान मैच में आया वापस। तो हमें भी चाहिए कि हम गेम बहुत अच्छी खेले, ऑस्ट्रेलिया को आसानी से ना लें। इंशाल्लाह हम सेमीफाइनल में हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल दिव्यांशु, आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है आज का मैच कितना दिलचस्प रहने वाला है, और क्या कुछ स्ट्रेटेजी जो है आज भारत की तरफ से हो सकती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? दिव्यांशु तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, फाजुल कबीर से ही आप क्वेश्चन कर लें। बिल्कुल, आपसे ही जानना चाहूंगी कि क्या लगता है आज का मैच कितना दिलचस्प होने वाला है, और भारत की तरफ से क्या कुछ प्लेइंग 11 की बात करें, कोई बदलाव देखने को मिल सकते हैं? जी देखें, प्लेइंग 11 में चेंजेस तो जरूरी नहीं है, जो हम पिछला मैच जीते हैं, आई थिंक प्लेइंग 11 में चेंज ना करके ऐसे ही यहाँ पे खेले। हाँ, मेरा ये मानना जरूरी है कि अगर विराट कोहली वन डाउन खेले तो हमारी टीम को पोजीशन ज्यादा अच्छी हो सकती है, और हमारा टीम उस तरीके से एंकरिंग हमें टीम को पूरे एंड तक मिल सकती है, वो एक नंबर वन पॉइंट है। नंबर टू ये है कि भारत के लिए आज का मैच इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ऑस्ट्रेलिया के लिए है, तो ऑस्ट्रेलिया कोशिश करेगा कि जो भी उसका बेस्ट प्लेइंग 11 है वो टीम में उतारे, लेकिन हाँ, यहाँ पे बारिश का भी योगदान हो सकता है, तो अंपायर जो टॉस का डिसीजन है वो भी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल फैजल, जिस तरीके से टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बारिश भी खलल डाल सकती है, उन चीजों को हम साइड पर के पहले प्लेइंग 11 के बारे में डिस्कस कर लें कि प्लेइंग 11 में जिस तरह कुछ पिच क्यूरेटर्स ने ये कहा है कि ये पिच जो है तेज गेंदबाजों को मदद देगी, एंटीगा की बात की जाए या फिर बारबाडोस की बात की जाए, तो वहां पर हवा ने भी बहुत काम किया था, तो यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन देखने को मिलेगी, तो तेज गेंदबाजों को मिल सकता है यहाँ पर चांस। तो क्या कुलदीप यादव को बाहर बिठाकर एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज जो है उसको रखा जाए प्लेइंग 11 में, या फिर रोहित शर्मा जो है अपनी प्लेइंग 11 जो पुरानी है उसके साथ ही चलना पसंद करेंगे? शायद दीपांशु तक बात नहीं जा रही। जी देखिए, मैंने आप ही से पूछा ये। प्लेइंग 11 में चेंज आज जरूरी नहीं है, प्लेइंग 11 जो हमारा है वो आज भी वैसा ही रहना चाहिए। हाँ डेफिनेटली, जो वहां पे फिर हवा आती है जब भी कैच ऊपर जाते हैं तो छक्के के लिए बॉल जाती है, वो बिकॉज ऑफ द विंड, उसकी वजह से बॉल वापस आ रही है स्टेडियम में, तो हाँ उसका एक वहां पे एक योगदान रहेगा, कंट्रीब्यूशन उसका रहेगा। डेफिनेटली आई थिंक के फास्ट बॉलर यहाँ पे खिलाना जरूरी रहेगा, तो कुलदीप यादव को हम बाहर बिठा सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है और कंडीशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे कि अगर बारिश आ गई तो इट विल हेल्प फास्ट दिस पेसर्स, तो डेफिनेटली पेसर एक अगर अच्छा रहे हमारे पास, और खासकर अगर विराट कोहली वन डाउन खेलने आ जाए तो गेम में मजा ही अलग आएगा और हमारी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। तो बिल्कुल, आप जिस तरह कह रहे हैं कि वन डाउन पे अगर विराट कोहली खेलने आएंगे तो फिर तो ओपनिंग के लिए किसी ना किसी को टीम में रखना पड़ेगा। क्या वो ऑप्शन संजू सैमसन, क्या वो ऑप्शन यशस्वी जायसवाल, फिर एक खिलाड़ी और? जी जायसवाल ही एक अच्छा ऑप्शन है जो ओपनिंग के लिए आ सकता है, बाकी दुबे या बाकी सब खिलाड़ी जो हमारे हैं वो तो नीचे ही अच्छा काम ही कर ही रहे हैं,
लेकिन हाँ जो जयसवाल है, अगर जयसवाल यहाँ पे खेलेगा ओपनिंग के लिए और हम विराट कोहली को वन डाउन लेके आ गए तो हमारा टीम स्ट्रांग रहेगा और वर्ल्ड कप हमारे हाथों से कोई नहीं छीन सकता फिर। बिल्कुल, ये भी जानना चाहूंगी अगर यहाँ पर भारत टॉस जीता है तो क्या लगता है पहले गेंदबाजी या बल्लेबाजी करना पसंद करेगा और क्या लगता है क्या ठीक रहेगा? देखिए जी, बेस्ट ये है कि डू व्हाट यू आर बेस्ट इन। हमारी बैटिंग सबसे बेस्ट है तो टारगेट लगा के हम उनको चेज पे डाल दें ताकि वो चेज कर सके। बिल्कुल, चेज करना यहाँ पर बेहतर रहेगा, पर जहां तक इस पिच को पढ़ा जाए अगर बारिश खलल नहीं डालती है, बारिश का कोई मतलब नहीं आती है मैच के दौरान, और जिस तरह से फैजल ये पिच काम करने वाली है, यहाँ पर 180 से 200 के बीच का स्कोर जो है वो रहने वाला है, तो साफ तौर पर जो यहाँ पे एवरेज स्कोर बताया गया है तो उसके लिए लगता है ऐसा है कि पहले बैटिंग की हुई अच्छी रहेगी इंडियन टीम के लिए। जी फैजल, फैजल आप सुन पा रहे हैं? फैजल आप सुन पा रहे हैं? जिस तरीके से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है जसलीन, तो बहुत ही ये अहम रहने वाला है, और हम अगर बात करें कि वहां की पिच की तो क्योंकि वो बिल्कुल ही पिच अलग काम करने वाली वहां पे, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि वो तेज गेंदबाजों को मदद करेगी। बिल्कुल, जैसे साहिल आपने भी मेंशन किया था कि वहां के क्यूरेटर का मानना है कि अगर वहां पर बात करें सेंट लूसिया में तो होने वाले मैच में तेज गेंदबाजों की बात करें तो उन्हें काफी ज्यादा मदद जो है वो मिल सकती है अगर इस पिच की बात करें। दिवांशु जी आपका स्वागत है, और आपसे सवाल रहेगा मेरा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया आज का मैच हारती है तो वो बाहर का रुख उसको मिल जाएगा, तो आज के मैच में क्या लगता है कि इंडियन टीम को कुछ बदलाव करने चाहिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब वो खेलने के लिए उतरती है, या प्लेइंग 11 जो है जिस तरह से चला आ रहा है इंडिया का वैसा ही रहेगा? नहीं देखिए, भारत को बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है, बस जिस माइंडसेट या जिस अप्रोच के साथ पूरे T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया उतरी है बस वही माइंडसेट को कंटिन्यू करना होगा और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया पर हम पार पा जाएंगे, यानी कि उस पर जीत हासिल कर लेंगे। बस जिस तरह से सेल्फलेस क्रिकेट हमारे बल्लेबाज खेल रहे हैं कि भाई अपने 50 या 100 की तरफ नहीं सोच रहे हैं, टीम को ज्यादातर आगे ले जाने की सोचे जा रही है, बस यही अप्रोच रखनी चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया क्योंकि अभी उनका मोरल डाउन है, हालांकि वो ऐसी टीम है कि वो उन्हें जो है घायल शेर कहा जाता है कि जब जब शेर घायल होता है तो वो ज्यादा अटैक करता है, ऑस्ट्रेलिया उस तरह की टीम है, बट टीम की अभी जबरदस्त फॉर्म में है, एकदम बैलेंस लग रही है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कुछ जबरदस्त है, तो ये बेहतरीन मौका है भारत के पास ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाने का, उसे यहां से हराकर T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने का, और कहीं ना कहीं वो 19 नवंबर का जो जख्म है उसे थोड़ा सा भरने का आज सबसे बड़ा मौका है। तो आई थिंक टीम इंडिया अनचेंज रहेगी, बस अपने नर्व को कंट्रोल करके अपनी चीजों पर भरोसा करना है, और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया आज का मैच मुझे लगता है कि ज्यादातर हारने के चांसेस हैं। दिव्यांशु, क्या लगता है कि यहाँ पर एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को खिलाया जाए, क्या मौका दिया जाए एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को, क्योंकि अगर हम जसप्रीत बुमराह की बात करें तो आज डेविड वार्नर वर्सेस जसप्रीत बुमराह एक अच्छा कंटेस्ट देखने को मिल सकता है, और एडम जाम्पा वर्सेस विराट कोहली भी एक अच्छा कंटेस्ट रहेगा, और मिचेल स्टार्क वर्सेस लेफ्ट आर्म पेसर हैं मिचेल स्टार्क और उनके खिलाफ सामने विराट कोहली, एक अच्छा कॉम्बिनेशन शायद ये कुछ ऐसा देखने को मिले। बिल्कुल, ये देखिए मिनी बैटल्स हैं, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक मेजर बैटल तो है ही, ये मिनी बैटल्स है जहां पर आपको एक बल्लेबाज एक गेंदबाज आपस में टकराते हुए देखेंगे, और आई डोंट थिंक कि भारत को एक एक्स्ट्रा पेसर की जरूरत है क्योंकि आपके पास जसप्रीत बुमराह हर्षदीप सिंह है हार्दिक पांड्या डालेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो शिवम दुबे वहां पर ऑप्शन में है, तो आई थिंक कुलदीप यादव का थ्रेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बरकरार रहना चाहिए क्योंकि वहां पर काफी लेफ्ट हैंडर है, मतलब आप देखें डेविड वार्नर है वहां पर, ट्रेविस हेड है वहां पर, मैथ्यू वेड भी है, और राइट हैंडर्स को भी कुलदीप यादव काफी परेशान करते हैं, तो मुझे लगता है भारत को जरूरत नहीं है कोई भी बल्लेबाजी में चेंज करने की या फिर गेंदबाजी में चेंज करने की, जैसा है वैसे ही रहना दिया जाए, बस ऑस्ट्रेलिया को आज हमें ये देखना है कि भाई आज ऑस्ट्रेलिया का दिन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी डाउन है, तो हमें इससे बेहतर मौका शायद ही किसी वर्ल्ड कप में मिले कि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी नीचे पड़ी हुई है और उसको एक और जो है हैटी लगानी है एक तरह से कहें और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगा, तो
आई थिंक टीम इंडिया को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग से बचना है। बिल्कुल बिल्कुल दिव्यांशु, ये भी जानना चाहूँ, क्या लगता है कि आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जो हैं भारत के लिए मुसीबत बन सकते हैं? देखिए गेंदबाज बन सकते हैं बिल्कुल। देखिए एडम जैम्पा एक सबसे बड़ा थ्रेट है, चाहे आप विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा हो, दोनों ही बल्लेबाजों के खिलाफ एडम जैम्पा का जो हल्ला है मतलब वो हमेशा रहता है, वो जोर बरकरार रहता है, और दोनों ही बल्लेबाज रोहित शर्मा विराट कोहली हंसते हैं एडम जैम्पा के खिलाफ। और रही बात उसके बाद पैट कमिंस की, क्योंकि पैट कमिंस लगातार दो मैचों में दो हैट्रिक लेकर आ रहे हैं, तो उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और ग्लेन मैक्सवेल जिनको हम याद है कि वर्ल्ड कप 2023 में रोहित शर्मा को किस तरह से आउट किया था और क्या शानदार स्पेल डाला था, तो ग्लेन मैक्सवेल है पार्ट टाइमर, बट टीम इंडिया के खिलाफ जब वो खेलते हैं तो वो एक मेन गेंदबाज के रूप में खेलने लगते हैं, और वहां पर भारत को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और बस इसके अलावा आई थिंक भारत के लिए ज्यादा थ्रेट नहीं है, ये दो तीन गेंदबाज थ्रेट है, अगर इनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया तो आई थिंक टीम इंडिया एक अच्छा स्कोर बना देगी अगर पहले बैटिंग करती है, और चेज भी करती है तो चेज तो खैर माहिर है, तो ये सब चीजें कुछ थोड़ी सी देख कर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल आज का मुकाबला बहुत अहम है और इंडिया को जीतना भी सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि इंडिया को अपना बदला 2023 वर्ल्ड कप का लेना ही होगा। फजल कपूर आपका रुक करूंगा, जिस तरह से हमने पिछला मैच देखा था इंडिया और बांग्लादेश का, तो बहुत सा शॉर्ट सिलेक्शन जो हमने देखी थी विराट कोहली की, या फिर उसके साथ हम बात करते हैं रोहित शर्मा की, खासतौर पर ऋषभ पंत की जो शॉर्ट सिलेक्शन थी कुछ इतनी सही नहीं थी, तो क्या लगता है कि वो शॉर्ट सिलेक्शन किस तरह की रहनी चाहिए? इस मैच को देखकर बाद में निराश होने का फायदा नहीं रहता, जब आप विकेट देकर चले जाएं तो पहले ही थोड़ा समझ के खेला जाए, क्योंकि कुछ गेम प्लान भी इंडियन टीम में कुछ अलग से लगा कि हर कोई 25 से 30 से ज्यादा स्कोर कर रहा था और अपनी विकेट देकर जा रहा था, सिर्फ हार्दिक पांड्या ने 50 की थी। दिव्याशु जायसवाल, जिस तरीके से मैं सवाल कर रहा था फाजुल कबीर से, तो उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि गेम प्लान किस तरह का चल रहा है इंडियन टीम का, कोई खास गेम प्लान लेके चल रही है इंडियन टीम? देखिए खास गेम प्लान ये लेकर चल रही है मेरे ख्याल से कि सारे खिलाड़ियों को ये निर्देश है कि भाई आपको अपने विकेट की ज्यादा परवाह नहीं करनी है, ठीक है, आपको सिचुएशन या कंडीशन समझनी है। बट अगर आप देखेंगे रोहित शर्मा या विराट कोहली का भी पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी टोन में सेट हो गए थे, और अक्सर हम देखते हैं कि जब विराट कोहली स्पेशली अगर 30 प्लस हो जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनका 50 प्लस स्कोर कंफर्म हो जाता है। अगर वो 30 प्लस खेल रहे हैं तो फिर वो इस तरह से शॉट मारकर आउट होते नहीं है, बट वहां पर उन्होंने शॉट मारा और क्लीन बोल्ट हो गए थे। तो ये आई थिंक टीम इंडिया की तरफ से मैनेजमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है सारे बल्लेबाजों को कि आपको अपने विकेट के बारे में नहीं सोचना है, आपको टीम के बारे में सोचना है, आपको अपना पर्सनल स्कोर नहीं सोचना है। हाँ कहीं कहीं थोड़ा सा शॉर्ट सिलेक्शन बेहतर हो सकता है, जैसे कि ऋषभ पंत का विकेट, हमने पिछली बार भी बात की थी कि वो कितने नाराज थे खुद के विकेट से, वो उन्हें रिवर्स शॉट खेलने की जरूरत थी नहीं बट उन्होंने खेला और वो आउट हो गए, तो आई थिंक वहां पर टीम इंडिया को थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी मुझे लगता है सारे बल्लेबाज उन्हें पता है, क्लैरिटी पता है, उनका रोल पता है कि उन्हें कब कैसे कहां खेलना है, और अगर 30-30, 40-40 रन भी अगर कोई बल्लेबाज योगदान दे रहा है तो आई थिंक बहुत है। अगर भारत आज के मैच में भी अगर पहले बैटिंग करता है और 180 से ज्यादा स्कोर बना लेता है तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया पर बहुत ज्यादा दबाव भारत क्रिएट कर देगा, और फिर गेंदबाजी में तो हमारे पास बुमराह है ही जो 4 ओवर ऐसे निकालेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं आएगा। फजल कबीर आपका रुख करूंगा, मैं फिर से एक जिक्र करना चाहूंगा पुराना क्रिकेट का, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया की जंग कोई नई नहीं है, आज का मैच जरूर बेशक बड़ा खास रहेगा, अगर इंडिया आज ऑस्ट्रेलिया से जीतती है तो ऑस्ट्रेलिया को बाहर का रुख दिखाएगी इंडिया। बात 2003 वर्ल्ड कप की, जब रिकी पॉन्टिंग ने फाइनल के अंदर इंडिया को चारों खाने चित कर दिया था और इंडिया बुरी तरीके से हारी थी, उस मैच में भी वीरेंद्र सहवाग ने अच्छा परफॉर्म किया था, ग्लेन मैकग्रथ ने विकेट ली थी सचिन तेंदुलकर की, और वो दिन हर एक भारतीय के लिए बहुत ही निराशापूर्वक दिन था क्योंकि कप्तान हमारे सौरभ गांगुली, और हम फाइनल से हारे थे मैच, वो भी ऑस्ट्रेलिया से, और वो टाइम भी ऐसा था जब हम वो वर्ल्ड कप जीते हुए थे, वो कप वो ट्रॉफी घर आनी थी पर हार मिली। उसके बाद 2023 में भी अपने ही घर में वही देखने को मिला, ऑस्ट्रेलिया ने फिर डोमिनेट किया और इंडिया को वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी घर से उठा के अपने घर लेके, और आज वो दिन है कि वो बदला क्या पूरा हो पाएगा? जी इंशाल्लाह अभी हम बहुत अच्छी स्ट्रांग पोजीशन पे हैं, देखें पास में अगर हम ढूंढते रहें गड़े मुर्दे उखाड़ने लग गए तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। राइट नाउ वी आर इन ए स्ट्रांग पोजीशन, वी आर अनबीटन,
उसके अलावा अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को हार लगी है अफगानिस्तान के हाथों, तो हमारे पास जो अभी हमारा ओपोनेंट आ रहा है वो पिटा हुआ आ रहा है और उसके पास डू आर डाई का ऑप्शन है, तो वे आर द बेटर ऑप्शन। ऑस्ट्रेलिया गलती करेंगे, बस हमें गलतियों का फायदा उठाना है और कहीं पे भी इनको कमजोर नहीं समझना है। हर एक बॉल पे सीरियसनेस दिखानी है और हर एक 11 के 11 खिलाड़ियों को हर बॉल पे योगदान देना है, देन द गेम इज आर्स। देखे जी, सामने वाला कमजोर है और इंशाल्लाह हमें अभी पूरा मौका है उनको पूरा उनपे काबिज होने का। बस यही है कि हमें चूक नहीं लेनी है, हमें ये नहीं समझना है उनको कम नहीं समझना है, हमें बस हमारे पास मौका है उसका भरपूर फायदा उठा के वी विल विन द मैच इंशाल्लाह। फजल रबी, हमें कभी ये बात भूलनी नहीं चाहिए, ऑस्ट्रेलिया एक जख्मी शेर की तरह जब उठ के वापस आती है कमबैक बहुत ही खतरनाक तरीके से करती है, जबरदस्त तरीके से कमबैक करती है अपना और बहुत बेहतरीन परफॉर्म। हमें 2022 का वर्ल्ड कप नहीं भूलना चाहिए जब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया था और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, बहुत जबरदस्त मैच था वो। मैथ्यू वेड ने 3 छक्के लगा के मैच जिताया था वो, जो कि वहां से हारा हुआ मैच जिता के झोली में डाला था ऑस्ट्रेलिया की गोद में। और ये भी बता दूं, मैच से पहले भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान की बात करें मिचेल, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब उनकी टीम दबाव में होती है ना तब ज्यादा सर्वश्रेष्ठ जो है उनकी टीम जो है खेलती है। जी ये नहीं जख्मी शेर हम बोलेंगे और वो आके सीधा हमें हर बॉल पे छक्का मारेंगे या 10 गेंदों में 10 विकेट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी टीम इंडिया कमजोर कहीं पे नहीं है। हाँ, ओपोनेंट अच्छा जब होता है गेम में मजा आता है, ऐसे ही 10 ओवर में मैच जीतने का कोई वन साइडेड गेम जीतने में कोई मजा नहीं होता। बस ये है कि ओपोनेंट अच्छा है, मजा आएगा गेम खेलने में। हमारे पास स्टार्स हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी, फील्डिंग में भी, बैटिंग में भी। बस ये है कम नहीं लेना है, ये चीज है कि गेम अच्छी खेलनी है, बस अच्छा हर एक प्लेयर को योगदान देना। बिल्कुल फौजल सही बात है, हर एक प्लेयर को योगदान देना पड़ेगा अपना, तभी हम टीम स्पिरिट से मैच जीत सकते हैं। जिस तरह से आपने कहा स्टार हमारे पास है, और मैं आपकी बात से ना सहमत नहीं हूँ कि स्टार नहीं, हमें स्टार नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी चाहिए। ये स्टार अगर हो जाएंगे तो वो स्टार चमकते रह जाएंगे, वो कभी भी ट्रॉफी घर लेके वापस नहीं आएंगे। हमने देखा 2023 वर्ल्ड कप कैसा रहा था। जीतेंगे बिल्कुल, इंशाल्लाह हम जीतेंगे, वी विल विन दिस मैच। हम दिवांशु जायसवाल का रुख करेंगे। दिवांशु, जिस तरीके से ये इंडिया का मैच बहुत ही अहम है, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है इस मैच के लिए, क्योंकि ये मैच ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया को बाहर का रुख मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बहुत कम मौके ऐसे मिलते हैं कि हमारे पास वो मौका हो कि हम ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दे किसी वर्ल्ड कप से। आपको याद होगा 2011 वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल जब वो युवराज सिंह ने चौका लगाया था और ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया था, उसकी खुशी किस तरीके से झलकी थी, क्योंकि लगा था कि कहीं ना कहीं हमने 2003 का बदला लिया है उनको हराकर। बिल्कुल, जैसे बार्कर ने ये भी कहा था, वी आर इन पंजाब, मोहाली में मैच था वो। बिल्कुल बिल्कुल जी, मोहाली में मैच था, युवराज सिंह ने और सुरेश रैना ने आखिर में मैच जिताया था और ब्रेट ली को उस टाइम शूट भी लगी थी, निकला था उनके सिर से। तो वो मैच मुझे बार बार याद आता है और अब एक बार फिर से हमारे पास मौका है कि हम वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को बाहर करें और वो टीम जिसने अभी पिछले एक साल में सब कुछ जीत लिया, अंडर 19 वुमेन्स टीम का वर्ल्ड कप जीत लिया, टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली, ओडीआई वर्ल्ड कप जीत लिया, और अगर ये T20 वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो इतना बड़ा डोमिनेंस क्रिकेट के इतिहास में शायद किसी टीम का नहीं होगा। तो भारत के पास वो मौका है उस स्ट्रीक को खत्म करने का, और शायद आज के दिन से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और बारिश भी शायद हमारे साथ है, क्योंकि अगर मैच रद्द भी होता तो भी ऑस्ट्रेलिया के चांसेस बाहर होने के बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो बस फिंगर्स क्रॉस्ड और उम्मीद करते हैं कि अगर मैच जीतना बहुत जरूरी हो जाएगा। धन्यवाद दिवांशु जायसवाल आपका भी और फजल कबीर आपका भी, समय कम रहता है हमारे पास, कोशिश करेंगे अगली बार जब सेमीफाइनल में जुड़ेंगे तो कम से कम 1 घंटा हम आपसे चर्चा करेंगे, और जिस तरह जिसने हमने पूरी चर्चा की और हमारे जितने भी गेस्ट, बिल्कुल कहीं ना कहीं आज का मैच काफी ज्यादा रोमांचक है, क्योंकि जहां पर ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं इस वक्त चाहेगा कि वो पूरी कोशिश जो है इस मैच में डाले अगर सेमीफाइनल तक पहुंचना है, पर हालांकि भारत के पास पहले ही 1 पॉइंट ज्यादा है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया अपनी तरफ से कितनी यहां पर शिरकत करती है या क्या करती है। पर वहीं दूसरी तरफ पुराने अगर बात करें, जिस तरह आपने भी कहा कि आज वो बदला लेना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई सालों का सूखा पड़ा है, 2007 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था T20, 2024 चल रहा है, 17 साल का वो सूखा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत बार ऐसे कंटेस्ट हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत जरूरी है और उसको बाहर का रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। 2011 के वर्ल्ड कप की बात बड़े अच्छी की दिव्यांशु जायसवाल ने, जिस तरह से हमारे पहले से हमारे साथ जुड़े थे और बिल्कुल सही कहा, वो जेफरी बॉयकॉट हमेशा यही कहते थे वी आर पंजाब, और मोहाली में वो मैच था, बेहतरीन प्रदर्शन रहा था और इंडिया वो वर्ल्ड कप जीता। अब देखने वाली बात यह रहेगी आज का दिन कैसा रहता है, क्या ऑस्ट्रेलिया जीत पाती है या नहीं।
फिलहाल सेमीफाइनल की रेस से बाहर बाहर हो जाती है। फिलहाल आपसे वक्त चला इजाजत लेने का, दीजिए इजाजत हम दोनों को, जसलीन को और मुझे, नमस्कार। Sponsored by Al